श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और जहां नित्य रामचरितमानस को हम विराजित रखते हैं, उस रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए और वट वृक्ष के कारण दिखता नहीं लेकिन जहां मेरे माता पिता की समाधि है सामने, इन माता पिता को, इस समाधिस्थ चेतनाओं को प्रणाम करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी की कृपा से और मेरे पर जो बड़े होते हैं वो छोटों पर सदैव प्रेम करते हैं, ये मानस के सूत्र को चरितार्थ करने के लिए बड़े सनेह हैं लगुन पर करें। यहां मेरी एक प्रार्थना, दो शब्द सुनकर हमारी इस वंदना को कबूल करने के लिए आए परम पूज्य रामचरितमानस के, अभी आपने बताया कि मैंने तीन पीढ़ी से काम किया है, वो केंद्र में बैठे हुए हैं परम रामायणी दादाजी, मेरा प्रणाम। बगल में बैठे हुए मुरसियस से आए हुए, आप सबने सुना, मैंने देखा है मुरसियस जाकर। आपने जो अभी कहा, मैं एक बार साउथ अफ्रीका या कहीं अफ्रीका में जा रहा था, मेरा रास्ता वाया मुरसियस था, 3 घंटे के लिए मुरसियस में मुझे रुकना था एयरपोर्ट पर। कोई 2-3 भाई मुझे जानते होंगे, वो एयरपोर्ट पर आए, मुझे कहा कि बापू आप हमारे घर आए। मैंने कहा भाई 3 घंटे हैं और मुझे वहीं पहुंचना है, मैं तो ट्रांजिट में हूं। बोले आप आए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार यहाँ राम कथा आप दें। मैंने कहा जरूर, जब योग बनेगा आऊंगा। बोले नहीं, इसलिए नहीं हम प्रार्थना करें और आप कथा दें, ऐसे तो हर जगह होता है, आपको आपका दायित्व है यहाँ कथा देनी पड़ेगी। मैंने कहा यह तो अतिथि सम्मान हो रहा है कि अतिथि पर डांट पड़ रही है। तो मुझे कहे कि नहीं, आप हमारे साथ 1 घंटे आइए और मुरसियस में 1 घर बता दीजिए जिसके आंगन में हनुमान जी का चबूतरा न हो और तुलसी का पौधा न हो, तो आप कभी मुरसियस मत आइएगा। और मैंने अपनी नजरों से देखा, अभी अभी आपने जो स्मरण दिलाया कि हर घर के आंगन में हनुमान जी, तुलसी, मैंने नजरों से, फिर तो मैं गया, कथा भी गाई और आपका विशेष परिचय मैंने वहां प्राप्त किया, जिन्होंने मुरसियस में राम कथा के बारे में इतना कार्य किया वो हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, जवाहर यूनिवर्सिटी से आए, और हमारे आदरणीय व्यास जी साकेत से, यानी दिल्ली में साकेत सोसाइटी में रहते हैं, तो वहीं से आए। और आप, मैंने प्रार्थना की थी कि आप हमको कुछ मार्गदर्शन करें कि हम इस समय किस किस की वंदना करें, आपने हमें स्मरण दिलाया, हमारे रमा भैया ने खोज की और आप रामचरितमानस रामायण पर, ये एक कितना बड़ा अभेद सद रहा है यहाँ साहब। मैं छोटा था, मेरे दादा के चरणों में बैठकर मैं रामायण सीख रहा था, तब से मेरे दादाजी ने, जिसके नए रूप में चित्र जी लगे हुए हैं यहाँ, वो दादाजी ने, हमारे बाबू भाई ने बहुत अपना आर्ट पेश किया है, तो वो दादाजी ने मुझे रामचरितमानस का पाठ सिखाते सिखाते कहा था कि बेटा एक बात ध्यान रखना, रामायण का आदि शब्द और रामायण का अंतिम शब्द। मैं नहीं समझा, छोटा था, समझी नहीं, तो सिबालपन तब अति रहे वो अचेत, लेकिन उनकी कृपा, उसने बाबूजी मुझे कहा कि रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, पहला शब्द वर्ण है, पहला शब्द ब्रह्म वर्ण है मानस का, और जहां मानस को पूरा करते हैं, दह्यंतिनो मानवा, आखिरी शब्द मानव है। मुझे कह रहे थे बेटा रामायण का वर्ण ब्राह्मण नहीं है,
रामायण का वर्ण केवल वैश्य नहीं है, रामायण का वर्ण क्षत्रिय नहीं है, रामायण का वर्ण शूद्र नहीं है, रामायण केवल भारत का नहीं है, इनका वर्ण यदि कोई विश्व में है तो वर्ण और मानव के बीच में जो रामचरितमानस है उसका वर्ण केवल 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 मानव है। और इस मानवता के उद्घोष आपने अभी अभी अपने बहुत अनुभव के साथ, तो ये जो मानवता का ग्रंथ रामचरितमानस, जिसकी वंदना के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं, तो ये शास्त्र के वंदना के लिए, तुलसी की वंदना के लिए, आप सबकी वंदना के लिए यहां पधारे हमारे, कौन भेद है यहां सा? अगर तू मस्जिद में रहता है तो मंदिर में कौन? अगर तू तस्बीह के एक दाने में रहता है तो हर दाने में कौन? अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन? अगर तू शम्मा में जलता है तो प्यारे परवाने में कौन? सर्वम खलविदम ब्रह्म श्री राममय सब जगह। भेद तो मूढ़ लोगों की देन है, जो मूढ़ है, जो मूढ़ शब्द मेरे गोस्वामी जी उपयोग करते हैं शठ और मूढ़ शब्द का, उमा राम गुण गूट पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ जो हरि भक्त धर्म रत। तो कहां भेद है साहब? आज दिल्ली से पधारे आप, रामायण पर आपने इतने सालों से काम किया और भाषाओं में रामायण का संदेश भेजने का आपका एक मिशन है, आपने कुछ अपनी बात भी रखी कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं याद करूं स्वर्गस्थ नानाजी देशमुख को, चित्रकूट में आपने जो एक प्रदर्शनी की है, कायमी प्रदर्शनी रामचरितमानस पर, जिसके उद्घाटन में मैं और साकेतवासी में याद करूं पंडित रामकिंकर जी महाराज जी रहे थे और एक बहुत सुंदर काम आपने वहां किया है। मुझे नाना जी अब रहे नहीं, मुझे क्या करते थे, बापू कोई मानस का एक टुकड़ा दे दीजिए मैं यहाँ गेट पर लगाऊं। तो मैंने किशन को दे दिया था कि आप बता देना नाना जी को कि इतना ही लिखे, अवश्य देखिए देखन जोग, ये जरूर दर्शन कीजिए उसका, क्योंकि ये दर्शन के योग्य है। खैर, तो आप वहीं से पधारे, मेरी सलाम कबूल करें, हम आपको नमन करते हैं। तीन चार बार कथाएं हमारे गुरुकुल में बैठकर सुनी, पूज नहीं, जो संकट मोचन में चिट्ठी डालकर निर्णय कर गए कि डॉक्टरी करना है कि रामचरितमानस की सेवा करना है, और जिन्होंने मानस के लिए अपना जीवन समर्पित किया वो डॉक्टर साहब हमारे पूजनीय श्रीनाथ जी मिश्र, वो भी वैसे रामनवमी को अवध में रहते हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में सालों से उनकी हाजिरी रहती थी, लेकिन अब वो काशी छोड़कर, शायद काशी के किसी मंच पर नहीं जाते हैं अक्सर, ऐसा कुछ है, तो उसको भी मैं दबाव डालता तो जरूर आते, मुझे भरोसा है क्योंकि मेरे प्रति उसका स्नेह है, लेकिन आपने, आपको भेजा, आप प्रतिनिधि के रूप में आए, उन्हीं के रूप में आए, मैं लेकिन इस साल तुलसी जयंती को हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, और आज ये तुलसी जयंती की तिथि के नाम से ही आज ये सब वंदना आपके चरणों में प्रेषित करने के लिए हम बड़भागी हुए हैं। मंच पर विराजित ये सभी, और मैं हमारे व्यास जी को पण भी को भी आदर दे रहा हूं, नमन कर रहा हूं, हमारे पाठक जी वृंदावन से आए, उसको तो जब भी प्रार्थना करो कोई भी काम हो, तो मैंने कहा कि वृंदावन से आप बाबा को खोज लीजिए और प्रार्थना कीजिए आपने, तो इन सबों को मैं, और दादा पधारे रामजी सिंह बापा आपने भी, तो मंच पर उपस्थित ये सभी मानस मूर्ति, अब मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं मानस मूर्ति कह रहा हूं,
मैं एक विद्वान के शब्द का उपयोग करके अस्मिता पर्व में कभी संबोधन हुआ था, उत्सव मूर्ति भी कह सकता था। और राम कथा गाने वाले मेरे लिए मंगल मूर्ति भी हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है और व्यक्तिगत भाव में कोई रुकावट नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानस मूर्ति, इसलिए मूर्ति हम सब है, पांच भौतिक शरीर हमारे सबके पास है, लेकिन ये देह है मूर्ति नहीं। मानस का गायन इंसान को देह से मूर्ति बना देता है। जिसकी आरतियां उतरती है, जिसकी पूजा होती है, जिसके चरणों में अर्घ दिया जाता है, जिसके चरणों में लोग दंडवत करते हैं, ये जंगम मूर्तियां नहीं है तो क्या है सा? कभी साकेतवासी जिन्होंने रामचरितमानस के आध्यात्मिक अर्थ खोलने में बहुत बड़ा योगदान दिया, रामकिंकर जी महाराज को किसी ने पूछा था, मेरे साथ एक बार बात चली तो बता रहे थे कि मुझे एक बार पत्रकार ने पूछा कि आजकल हिंदुस्तान में कई तुलसी के अवतार घूम रहे हैं, फला तो के तुलसी के अवतार, फला तुलसी के अवतार, तो आप कह सकते हैं कि इनमें तुलसी के अवतार कौन है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब, तर्क तार्किक भी और हार्दिक भी दोनों जवाब उसने दिए कि भाई तुलसी ने एक रामचरितमानस का निर्माण किया, लेकिन एक रामचरितमानस ने कई तुलसी प्रकट कर दिए। ये उनका जवाब है, मैं उसका पावन स्मरण कर। तो ये सब मूर्ति है मेरी दृष्टि में, और मूर्ति केवल मंदिर में प्रस्थापित ऐसी ये मूर्तियां नहीं है। मानस का एक अर्थ होता है हृदय, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन, लोगों के हृदय में विराजित। आज राम कथा भागवत कथा कोई भी शास्त्र की कथा का गायन करने वालों को विश्व में बहुत आदर मिल रहा है। ये कलयुग नहीं है मेरी दृष्टि में, मेरी तलगा जरड़ी आंखों से देखूं तो ये कथा युग है, कलयुग कौन? और साहब याद रखना, और मालिक मुझे ठीक मेरे वचनों को ठीक से संभाले, याद रखना जब कोई कर्मकांड कराता है तो हमारे पंडित जी कहते हैं कली प्रथम चरणे, कलयुग का ये प्रथम चरण। मैं कहता हूं एक कथा का अभी तो दुनिया में प्रथम चरण चल रहा है साहब, जब दूसरा चरण उठेगा, तीसरा चरण उठेगा, और वामन जब विराट बनेगा तब खबर नहीं उस पैर रखने के लिए विश्व में कहीं जगह नहीं होगी। ऐसा वैश्विक फैलाव रामचरितमानस का होता जा रहा है, इसलिए सबके हृदय में विराजमान ये सब मूर्तियां हैं, मानस मूर्ति है, और ये चलती फिरती सांस लेने वाली, और मूर्तियों में तो विश्वास रखना पड़ता है, ये मूर्ति तो श्वास ले रही है, हमारे साथ बैठती हैं बातें कर। तो मैं सोच रहा था कि यहां ऐसा प्रारंभ क्यों हुआ कि सबसे पहला अवार्ड दिया गया हमारे आदरणीय राजेंद्र जी को, फिर दूसरा अवार्ड की बात आई तो हमारे श्रीनाथ जी बाबा को, तीसरा अवार्ड यहाँ आया, चौथा एक ऐसा क्रम बना और चौथा वहाँ गया। तो मैं सोच रहा था कि दादाजी को आखिर में क्यों रखा, जिसको हमने केंद्र में बिठाया, लेकिन दादा उसको कहते, मैं उसको दादा कहता हूँ, हमारे दादा उसको कहते हैं कि पहले सब बच्चे खा ले उसके बाद भोजन करे, उसको दादा कहते हैं। पहले बच्चे को सम्मानित देखकर जिसकी आंखें डबडबा जाएं, पहले युवान लोगों ने जो काम किया है मानस पर उसकी उसकी सराहना, उसका अभिनंदन होता हुआ देख करके जो राजी हो, गरमा पहलो दादो खाई जाए, इन्हें काठियावाड़ी दादो न कहवाई, ये दादागिरी कहवाई। पूरा परिवार जब तुष्ट पुष्ट हो जाए, तो ये बिल्कुल सहज क्रम चला यहां कि आखिर में हमने आपकी वंदना की है, क्योंकि आप हमारे सबके बुजुर्ग। मैं दो तीन बार मिला था वैसे ही, कभी चेन्नई में दर्शन हुआ, कभी कहीं, कभी आप लंदन में विराजते थे हमारे राम बापा के निमंत्रण पर, और वहां आपकी कथा चल रही थी, और वहीं तो मैं इसे ही सुना था, और फिर एक दो फिर एक बार वृंदावन की कथा के समय मैं आपके निवास स्थान के दर्शन के लिए आया था, मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। तो आप
यहां पधारे, ये बहाना है, कुछ बहाना तो चाहिए, और बहाना बड़ा पवित्र है, वरना आप आते नहीं। एक बहाना, अर्जुन का कांपना, अर्जुन का हाथ से शस्त्र गिरा देना, अर्जुन आंख में आंसू आ जाए और कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब कृष्ण के बहाने थे गीता का अमृत परोसने का। ये सब ना होता तो गीता अमृत नहीं आता, ये सब बहाने हैं हनुमान जी की कृपा से कि एक तुलसी अवार्ड का यहां एक प्रारंभ हुआ। हमारी और कोई वो नहीं है, केवल 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 जिन्होंने मानस की चौपाइयां पर काम किया, लेखनी से, जीभ से, चिंतन से, मनन से, संशोधन के रूप में, खोज करके, डॉक्टरी प्राप्त करके, विविध आयाम में रामचरितमानस और रामायण पर जिन जिन महापुरुषों ने काम किया है, उसकी एक वंदना इस तलगा जरड़ा में हो। मैं महुआ में तो मजबूरी से रहने गया था, महुआ मेरा तालुका है, गांव नहीं है, गांव मेरा तलगा जरड़ा है। हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, मैं अक्सर कहता हूं, एक लोक उस भाव में कहा जाता कि भगवान कृष्ण को गुजराती लोग कहते हैं कि मने मारू वंद्रावन बहु रूड़ू हूं वैकुंठ नहीं आऊ। ब्रज की बोली में गुजराती में कहते कि मुझे वृंदावन प्रिय है, मैं वैकुंठ नहीं आऊंगा कृष्ण, तो बुलाए तो मुझे वृंदावन। तो मैं तो कहता हूं मारे तलगा जरड़ू बहु रूड़ू हूं वृंदावन नहीं आऊ। हम आविश बाबा ऐसे तो आऊंगा, लेकिन ये मेरी भूमि है, इस मिट्टी से मैंने मानस की खुशबू पाई है। साहब आप ठीक बता रहे थे बाबा, आपने कविता गाई ना, आपने भी गाई कि भाई मानस न होता, राम कथा न होती तो कहां से कहां। मैं तो आपने कहा कि घर में 56 भोग लग जाते हैं, ठीक है, पैरों में पदत्राण न हो, ऐसे को गाथी पर एक कविता कल्पना नहीं है, एक कविता तो सार्वजनिक रूप में लिखी गई, लेकिन एक कविता मुझे 100% लागू होती, क्योंकि मैं जब रामचरितमानस की 5 चौपाइयां मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर जब स्कूल पढ़ने के लिए महुआ जाता था, तब मेरे पैरों में भी चप्पल नहीं थी साहब, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी तो धीरे धीरे चलने से फफोले पड़ जाते थे, तो मैं कूदता, जमीन पर कम पैर रखने पड़े और कम फफोले, ये सब मेरे जीवन का दृष्टांत है। तो मानस क्या नहीं कर सकता, ऐसे मानस के मनीषियों को यहां प्रार्थना करके हम क्या, इसलिए हमने एक उपक्रम बनाया कि भाई हम वंदना करें, भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में करें हम, और फिर भगवान से अपेक्षा रखें कि भगवान बोले और कहे थैंक यू बेटा कि तूने मेरी प्रतिष्ठा की, हम आपकी पूजा करने के लिए आपके चरणों की, ये हृदय से बोल रहा हूं साहब, मानस का गाय कदरी शब्द इधर उधर बोले तो शब्द उसको माफ नहीं करता। कबीर साहब को आपने अभी याद किया, कबीर का एक वाक्य है, साधो शब्द साधना कीजे, मानस की साधना तो शब्द ब्रह्म की साधना है, मानस की साधना अक्षर ब्रह्म की साधना है, और मुझे कहने दो मानस की साधना सूर ब्रह्म की साधना है, और मानस की साधना नाद ब्रह्म की साधना है। आपको इसलिए हमने कष्ट दिया है कि हम हमारे गांव में आपको प्रणाम कर सके, और आप, मैं बाबा जी दादाजी को कल कह रहा था, वो बहुत मेरे प्रति, तो मैंने मानस की अरदाली की कि बड़े स्नेही है लघुन पर करी, समंदर इतना विशाल है लेकिन अपने फीन को ऊपर रखता है, और पर्वत इतना ऊंचा होता है लेकिन तिनके को, घास को ऊपर रखता है। ऐसे महापुरुष हम सबको इतना प्यार करते हैं, आदर देते हैं। बाबा जी ने तो मुझे कहा था कि बापू मैं 2 बार मिला हूं आपको पता नहीं, संत सम्मेलन में ऐसे, और मैं पंडित रामकिंकर जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री अवध गया, तब मैं हाजिर था, ऐसा बाबा जी ने मुझे बताया।
आप सब आए, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। अब तो प्रतिवर्ष ये अवार्ड कोई अनिवार्य परिस्थिति न हुई तो तुलसी जयंती को ही हम रखेंगे। और मैंने प्रार्थना की है रामजी सिंह बापा को कि एक जो कमिटी नियुक्त की जाए, सिलेक्शन कमिटी। आप पूरे उत्तर भारत, पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, मानस के प्रति आपका अगाध प्रेम है, तो एक तो आप हमें उसमें मार्गदर्शन करें। और एक हमारा जो क्रम है कि कोई अवार्ड में जिसका हम सम्मान करते, इनमें से एक व्यक्ति को हम रखते। मैं प्रार्थना करूं बाबा को, भले 90 साल के ऊपर हो, एक बात मैंने देखी साहब कि रामचरितमानस किसी को बूढ़ा नहीं होने देता साहब, हद है। 93 के आसपास और अधिक, कल परसों दिल्ली में कथा विराम देकर यहां आए, और वो तो 10 मिनट की पाबंदी थी, वरना 10 दिन बैठ जाते। कोई भी कला, उपेंद्र भाई, बड़ू भाई, विश्व की कोई भी फन, कोई भी कला, कोई भी विद्या इंसान को बूढ़ा नहीं। शरीर की बात और है, शरीर तो अपना काम करता है, बाकी मानसिक तौर पर, चैतसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और हृदय के भावना जगत को कभी वृद्ध नहीं होने का, मानस तो कभी होने ही नहीं देता साहब। मानस का गायक कितनी उम्र में सदा नौजवान ही रहता। ऐसे हमारे सरस्वती चंद्र में, हमारे जुआन डोसानी बात से मावे, सरस्वती चंद्र में एक जुआन डोसो हमारे गुजरात एम दादाजी, ऐसे युवान वृद्ध है। और कितने सुंदर भाव पेश किए आपने। तो वैसे तो चार विशेष पूजनीय व्यक्तियों की वंदना का उपक्रम रहा। एक हमारे राम कथा के श्रोता ने सेवा ले ली थी, तो फिर हमने सोचा कि फिर लास्ट ईयर मुझे लगा कि वैसे दादाजी ने तो कह दिया तीन ही पीठ है और सिद्ध कर दिया, साधु 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 कि तीन ही पीठ, तुलसी तो श्रोता है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, विद्वानों ने चार फीट की है तो विद्वानों की बातों को भी प्रणाम करूं। तो मैंने पांच एक और लगा दिया इस बार, इसीलिए कि मैं ये तीन पीठ हो या चार पीठ हो, जो हो, इन चार पीठों या तीन पीठ दादाजी के शब्दों में या चार पीठ, इनकी छाया में तलगाजरड़ा की पीठ से बोलने वाला आदमी हूं। दादा ने तो तुलसी पीठ कह दिया, नहीं दादा, लेकिन एक तलगाजरड़ी की भूमि की मुझे ममत है। भगवान राम भी विमान से उतरे और अपने परिकरों को कहा कि ये मेरी जन्मभूमि है, और यह हमारे यहाँ तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अवध की महिमा गाते। तो मुझे इच्छा होती है कि यहाँ ये हनुमान जी पे, मैं कोई मंदिरवादी आदमी भी नहीं हूँ याद रखना, लेकिन ये मंदिर के रूप में, यहाँ जो हमारे गांव में मंदिर है उसको सुरक्षित रखते हैं, नया मंदिर नहीं बनाते। मुझे विदेश में पूछा गया कि आप चाहे तो इतने मानस के प्रेमी आपके पास श्रोता है, जो संकल्प करे वो पूरा हो सकता है, तो आप जगह जगह मंदिर क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा हमारे कई महापुरुष ये काम कर रहे हैं, अवश्य जहां जरूरत है वहां मंदिर बनने चाहिए। और मेरा काम है मानस के द्वारा प्रत्येक घर में एक मंदिर जैसा वातावरण निर्मित करना, हर घर मंदिर हो, यही मैं काम कर रहा हूं। फिर भी ये यहां ये बनाया इसलिए कि तेरे बहाने भी ये आए, हनुमान के कारण भी यहां आप आते जाए, मानस के कारण आप आता है। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद दे कि तलगाजरड़ा की मिट्टी में ये मानस की महक दिन दुना रात चौगुना सदैव महकती रहे, और इसकी खुशबू से हम सदा तर बतर रहे। मेरी प्रसन्नता फिर एक बार मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगला अवार्ड बाबा जी, दादाजी, आप भी हमको मार्गदर्शन करिएगा, और एक तीसरी व्यक्ति को
नियुक्त कर देंगे, जो तीनों मिलकर एक साल में हमें फिर 5 मानस मूर्तियां खोज दे, जिसको यहां हम उसकी वंदना कर सकें। और कुछ मुझे कहना नहीं, और मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूं क्योंकि मुझे समय की पाबंदी नहीं दी गई। 10 मिनट मुझे नहीं कहा गया, वरना मैं घड़ी हाथ में लेकर खड़ा था, तो हर वक्त मुझे ऐसा रहता है कि मेरे सामने कोई, इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने मिनट नहीं है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी ज्यादा है, ये एक संकेत है। इसलिए तो मैं किन किन को यहाँ धन्यवाद पेश करूं, आप आए हैं। और कभी एक नौजवान शायर ने हिंदी भाषा के, दुष्यंत कुमार ने कहा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। मैं उन्हीं का आश्रय करके सदा कहता हूं, मैं मानस बिछाता हूं, मानस ओढ़ता हूं, मानस खाता हूं और मानस ही पीता हूं, और उनके कारण वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारी रक्षा है, वही हमारी दीक्षा है, वही हमारी भिक्षा है। जो मानो ये मानस की सेवा इस भूमि से, इन समाधि पुरुषों के आशीर्वाद से निरंतर होती रहे, और आप सबके आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे। वर्षा ऋतु, मैं सोच रहा था, मैं कोई हर घटना में मैं हरि कृपा ही देखता हूँ, ये बारिश हो तो भी हरि कृपा, क्योंकि अवार्ड तुलसी जयंती को देना था। तुलसी जयंती सावन में आती है, सावन में वर्षा होती है, तो हमने तिथि तो वही लिखवाई, आज दे रहे हैं तो तिथि तो वही है, इसलिए गोस्वामी जी ने, हनुमान जी ने कुछ वातावरण भी तुलसी जयंती, और तुलसी तो वही प्रकट होता है जहां मानस का दान होता है। अभी बाबा जी ने एक विवादास्पद मुद्दा कहा कि भाई कोई कहता है कि राजापुर, कोई कहता है कि सौरव, कोई कहता है कि फला, कोई कहता है फला। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, बच्चा कहां होता है? जन्मस्थान में ना, जन्मस्थान में भी कहां होता है? उसके घर में ना, घर में भी कहां होता है? इनके मां बाप के पास। तो तुलसी ने कहा, तात मात सब विधि तुलसी की, मेरे माँ बाप तो रामचरितमानस, जहां मानस होगा वहीं राम तुलसी का प्रागट्य हो सकता है, उसके माँ बाप रामचरितमानस है वो, तो तुलसी के लिए मेरे लिए आज जयंती है। तो और क्या कहूं, मुझे एक छात्र ने पूछा था कि आपने राम को, कई लोग अफवाहें फैला देते ना कि राम को देखा है, हनुमान को देखा है, मैं साफ साफ कहता हूं, मैंने न राम को देखा है न हनुमान को देखा है, मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि को हम, मैं यही कोशिश में हूं, और इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे आगे बढ़ूं। मैं इतना ही कहूंगा कि राम तो ईश्वर है ही, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम भगवान है, राम ईश्वर है, राम ब्रह्म है, राम हरि है, राम जगदीश है, राम परमात्मा है। तुलसी ने क्या क्या सिद्ध नहीं किया है, फिर भी मैं कहता हूं कि हमने राम नहीं देखा, मैंने रामचरितमानस को देखा है, और मेरे लिए तो मेरा इष्ट रामचरितमानस है, जिनके कारण मुझे, मैं याद करूं पुण्य स्मरण फादर कमिल बुलके साहब को, उसने कभी, आपने दादाजी, आपने अभी बाबा जी जो मजार पर रूसी पंडित ने लिखा, एक ऐसा ही विद्वान जिसने अपने उस पर भी लिखा है, लेकिन बुलके साहब तो कहते थे मैं राम का भगत नहीं हूं, मैं ईसाई हूं, मैं राम का भगत नहीं हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं तुलसी का भगत हूं, मैं रामचरितमानस का भगत हूं। एक ईसाई धर्म के उपासक ने, तो हमारे लिए तो रामचरितमानस सब कुछ है। आप यहाँ आए, हमको आशीर्वाद मिला, ऐसे मैं भी आपका दर्शन करता रहूँगा, आप भी जब मौज आए और हम कभी प्रार्थना करें तो ऐसे ही आते रहिएगा। साल में एक बार कथा सुनने को मेरा भी जी चाहता है कि दुनिया को तो सुनाते रहे। मेरा एक निवेदन है कि जिसको नृत्य आता हो उसको बोलना नहीं चाहिए, इनकी अदाएं सब कुछ कह देती है।
नृत्य, हाँ कोई बोले तो ठीक है, अधिकार है प्राणी स्वातंत्र, लेकिन नृत्य की भाव भंगिमा ही सब कुछ कह देते हैं। जिसको नृत्य आता है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं, गाने वाले दूसरे होते वो गाते हैं, नृत्य आए उसको गाने की जरूरत नहीं है, जिसको गाना आए उसको बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं, बोले तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन गाना आए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको बोलना आता हो उसको सुनने की बहुत जरूरत है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम जिनके श्रवण समुद्र समाना। वहीं से मेरे गोस्वामी जी, दादाजी ने मुझे कैसेट दी है कि वाल्मीकि के 14 स्थान पर मैं बोला हूँ, भगवत कृपा से 7 स्थान पूरा कर पाया हूँ, इतनी कैसेट आपको देता हूँ। मैंने कहा पूरा हो वो आधा भी भेज देना, पूरा का पूरा हम सुनेंगे। आप सभी ने मानस पर बहुत काम किया, मानस के सच्चे अर्थ में आप रखवारे हैं, आप रखवारे ते यही ताल चतुर रखवारे। और आप कहते हैं रखवारे को पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है, नहीं साहब ये तो आपका आपकी महिमा है। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो बड़े ही रहते हैं साहब। तो आप मानस के रक्षक हैं और आप यहाँ आए, मैं मेरा प्रणाम पेश करता हूँ, मेरा भाव व्यक्त करता हूँ। और आप कुछ शेर फरमा रहे थे, मैं भी एक फराज साहब का शेर कहकर पूरा करूँ। फराज साहब का बहुत प्यारा शेर है कि तस्बीह फेंक दी मैंने, तस्बीह इसका मतलब ये नहीं कि तस्बीह छोड़ देनी, माला छोड़नी, इसका मतलब ये नहीं, भाव सुनिएगा। तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज, इस चिंतन से, इस ख्याल से मैंने तस्बीह फेंक दी, तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज कि गिन के नाम क्या लेना जो बेहिसाब देता है, गिन के नाम क्या लेना जो बेहिसाब चारों युग प्रताप तिवारा। आप ये अनुभव के साथ कहा जाता है। हाँ ये कंचन वर्ण है नहीं, उनकी आराधना करे उसको भी कंचन वर्ण कर देता है साहब। साहब चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज, गिनके नाम क्या लेना जो बेहिसाब देता है, जो अवढ़दानी का विग्रह है वानराकार विग्रह पुरारी। अवढ़दानी का साक्षात विग्रह है, इनके भरोसे पर हम आनंद करते हैं। अभी मैं 3 महीने से नहीं बोला, सब मुझे कहते हैं बाबू तबीयत का ये है ये है, मैंने कहा मेरा बोलना शुरू कर दो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे चुप मत रखो साहब। और 3 महीने के बाद ये बोलने की मौसम आई है, फिर आपके सामने मौसम आई है, और बसंत ऋतु आया और कोकिला न बोले तो दूर परी कोकिल को। साहब हमारे सौराष्ट्रीय साहित्य में कहा है रत आए न बोलिए तो हैया फाट मरा, ऋतु आए और आदमी न बोले तो हैया फाट जाता है, हृदय फाटता है। मेरे हृदय का भाव आपके चरणों में पेश करता हूँ। साधु संतों की तो असंगता होती है, फिर भी भाव आपने बहुत अच्छा कहा दादाजी। हाँ मैं कथाओं में कहूंगा आपके नाम के साथ, काशी ने शब्द पकड़ा। अब काशी वाले नाराज भी हो सकते हैं थोड़े, लेकिन उसके भाषी का समय नहीं दादाजी, काशी ने शब्द पकड़ा ठीक है, अवध ने भाव पकड़ा ठीक है, वृंदावन ने, आप वृंदावन से आए हैं, वृंदावन ने रस पकड़ा। मानस का कोई भी पालव पकड़ लो साहब, कोई भी चोर पकड़ लो, कृत कृत्य पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। मैं आप सबके चरणों में आपका आभार क्या मानूं, आपको धन्यवाद क्या पेश करूं। मानस का तो नियम है ऐसी घटना का प्रति उपकार नहीं किया जा सकता। बंदौ तौपद बार ही बारा इन्हीं ये असंग रहने वाले महापुरुष। मानस आदमी को खबर नहीं क्या से क्या बना देता है, क्या से क्या बना देता है।
मैं, ये ठीक है आपने, बाबा जी तो मेरे साथ बहुत स्नेह रखते डॉक्टर साहब, इसलिए वो कहते हैं आपने भी कहा कि मस्ती हमने यहाँ से, लेकिन मैंने मस्ती पाई रामचरितमानस से। धर्म इंसान को गंभीर बना दे वो मुझे कतई स्वीकार्य नहीं। गंभीर बड़े खतरनाक होते हैं। इस अर्थ में कोई आदमी बिल्कुल चुप बैठा रहे, बोलने के समय पर भी ना बोले, चारों ओर देखता रहे, भरोसा करने में दो बार सोचना। धर्म में कट्टरता न हो, धर्म में आदमी टट्टार होना चाहिए। उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, मानस आदमी को खड़ा कर देता है, दौड़ाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। ये मानस के गायक के नाते हम मानस की सराहना, वो स्वतः अपने आप सिद्ध है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि राम, अभी मैं कथा में भी ईश्वर के बारे में बोल रहा था, आखिर में इतना ही कि रामचरित मानस इस विश्व में, त्रिभुवन में, अनेक भुवन में, मानस ने भुवन, अनेक भुवन, सकल भुवन, 14 भुवन, बहुत शब्द का प्रयोग कर दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन मैं इतना ही कहूं कि रामचरित मानस इस पूरे निखिल ब्रह्मांड में सिद्ध करने का विषय नहीं है, इससे हम शुद्ध हो जाएं ये पर्याप्त है, इससे हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, यही पर्याप्त है। तो और कुछ न कहते हुए अखिलेश और जिन जिन लोगों ने इस कार्य में, मैं किसी का नाम लूँ तो इसको अच्छा भी नहीं लगेगा, और हमारा नाम ले ऐसा ख्वाहिश लेकर आए वो दूसरी बार उसका नाम भी निकल जाता है। ये भूमि तो बड़ी मस्ती की भूमि है, यहाँ किसी की खुशामद नहीं होती, यहाँ केवल यही आदमी मेरे यहाँ जो कोई सेवा में लग जाते वो कोई नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, मेरी मौज हो तो लूँ न भी लूँ, ये तो सहज आए तो लूँ, बाकी न बोलूँ, क्योंकि मैंने मेरा कंठ केवल मानस को अर्पण किया है। आ मेरा वील है, आ मेरा वसीयत नामा, मैंने मेरी वाणी, मेरा कंठ केवल 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 रामचरितमानस को अर्पण किया है, बस उसी को मैं गाऊंगा। और वो बहुत आनंद, और ये से महापुरुष तो दादाजी को, बाबा जी हमने आखिर में प्रणाम इसलिए किए कि पहले बच्चे सम्मानित हो जाएं और फिर आप हमको कंधे पर चढ़ा करके कूदे, ताकि हम भी विश्व में और दिखाई दे अपने आप को। ऐसे आपके कंधे पर बैठकर ये गाते रहें और मानस की वो करते रहें। बहुत प्रसन्नता के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि तमाम उम्र हम तो खैर कांटों में रहे, ये आप बोलिए हमारे लिए, मैं नहीं बोल सकता। शायर ने तो जिस टोन में किया हो मुबारक, तमाम उम्र हम तो कांटों में रहे, हम तो कांटों में रहे, अब आप बोल दीजिए खुदा करे कि तेरा दामन गुलों से भर जा।